आज दतिया चिकित्सालय में सीमई ग्राम निवासी जशोदा अहिरवार अपने पति के साथ आंखों का ऑपरेशन करवाने हेतु पहुंची, जिसे आई डॉक्टरों ने देखकर भर्ती कर दिया। दोपहर के समय नेत्र चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान जशोदा की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने मृतका की बॉडी की चीर फाड़ी कर डर का खौफ पैदा कर पोस्टमार्टम न कराने को कहा। साथ ही महिला की मौत में डॉक्टर का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। मृतका एवं उसके पति ग्यासी का पुत्र नहीं है, सिर्फ दो पुत्री हैं जिनकी शादी हो चुकी है। सेमई ग्राम में दोनों अकेले ही रहते थे। अपनी पत्नी को लेकर दतिया जिला अस्पताल अकेला ही आया था। मीडिया ने मामले की पूरी जानकारी ली एवं पर्चा देखा तो मृतका जशोदा का डॉक्टर मुकेश सिंह राजपूत को ऑपरेशन करना था, लेकिन मृतका का ऑपरेशन डॉक्टर मनोज त्यागी ने किया, जिनकी ड्यूटी भी नहीं थी। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई, जहां डॉक्टरों को प्राइवेट क्लिनिक को चलाने से फुर्सत नहीं है, जिसकी वजह से किसी की जगह कोई और ही डॉक्टर ऑपरेशन करता है। इसका भुगतान मरीजों को अपने प्राण देकर चुकाना पड़ता है। जशोदा के परिजनों का कहना है कि हमसे डॉक्टरों और पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम ना कराओ और डॉक्टरों और पुलिस ने अंगूठा लगाकर हस्ताक्षर ली। वहीं डॉक्टर मनोज त्यागी से मीडिया ने बात की तो उन्होंने अपना किया कराया सीएमएचओ की सरमड़ दिया और कहा उन्हीं से बात करो। जब मीडिया ने सीएमएचओ एसएन उदयपुरिया से बात की तो उनका कहना था मामले में जांच की जा रही है। मेरी जानकारी में आया था कल जशोदा नाम की महिला है, ग्यासी राम जी की पत्नी, इसको कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। प्रारंभिक परीक्षण में उसको फिट माना गया है, लेकिन सुन्न करने के जो इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन करने के पहले, उस इंजेक्शन को लगाने के बाद में उसको जो है परेशानी हुई और दुर्भाग्यवश मृत्यु हुई है। इसके पोस्टमार्टम के लिए भी मैंने निर्देशित किया था आरएमओ को और उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन परिवारजनों के द्वारा लिखित में दिया गया है ऐसा हमारे आरएमओ ने अवगत कराया है मुझे कि परिवारजनों के मना करने के बाद में उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका है और इसकी हम और विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और संचालनालय को भी अवगत कराया। मीडिया ने जब थाना प्रभारी धीरपुरा विजय लोधी से बात की तो उनका कहना था कि महिला की मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई है, इस पर मर्ग भी कायम हो चुका है और परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए, बहुत समझाने पर भी नहीं माने और पीएमवी कराना नहीं चाहते थे, उन्होंने लिखकर भी दिया है। ये महिला की मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई, ये जशोदा अहिरवार है सेमई की, तो वहाँ से हमें सूचना मिली दतिया से कि ये बिना पीएम के यहाँ पे आ गए, तो हमने इनके परिजनों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि उसमें मर्ग कायम हो चुका है और पीएम उसका कराना आवश्यक है। परिजन उसके तैयार नहीं हुए, बहुत समझाने के बाद भी तैयार नहीं हुए, पीएम कराना नहीं चाहते, उन्होंने ये बात लिख के भी दी। मीडिया ने मृतका के पति ग्यासी से भी बात की तो उसने बताया कि मेरी पत्नी का नाम जशोदा है, जिसकी दतिया अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। आंखों का डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अहिरवार बलजीत कुंजी, पत्नी का जशोदा जी। कब हुई थी आपकी पत्नी भर्ती? आज सुबह। आज सुबह आप सुबह भाई मिलने का ही चलो माँ के लाने अंदर लो आ गए ऑपरेशन के लाने, उनने इंजेक्शन लगाया। काय का ऑपरेशन होना था? आँख का, जो आँख बनने थी, आँख बनने के लिए, आँख बनवाने के लिए बस रोशनी वो उनने इंजेक्शन लगाया। हमसे बोले तुम दूर बैठो, हम दूर बैठे रहे, अंदर उनने लगाया, फिर बेहोश आ गया। हमसे बोले चलो ले चलो, अस्पताल में ले गए, उनने भी लगाई चूड़ी मूड़ी, भी बोली खत्म है। दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट।